ठीक है। प्रोस्पेक्टिव पॉइंट क्या होता है, वो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टिव पॉइंट। प्रोस्पेक्टिव पॉइंट में हमारा क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसकी कितनी साइड देखते हैं, अगर हमें वो 3D में देखना है तो हम उसकी तीन साइड देखते हैं, देखते हैं ना तीन साइड। जब भी हम उसको 3D 2D बोलते हैं, एक फ्लैट होता है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये दिख रहा है, ये क्या है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। अगर इसी ऑब्जेक्ट की हमें दो साइड दिखाई देती हैं, ये देखो ऐसे, तो आप इसे क्या बोलेंगे 2D, क्योंकि इसमें वन साइड है, इसमें हमारी टू साइड दिखाई दे रही है, और एक ऑब्जेक्ट जिसमें है हमारी तीनों साइड दिखाई देंगी। कैसे, देखो ये वन साइड है, अब हम जैसे क्यूबॉइड शेप बनाते हैं उसमें क्या होता है हमारा तीन साइड दिखाई देती है, ना तीन साइड, ये देखो इस तरीके से ये हमारा मेजर रब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीन साइड, ठीक है, वन टू और ये थ्री। कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको 3D तब देखते हैं जब हमें उसकी तीन साइड दिखाई देती है। हमें ये चीजें जो बनानी है, समझनी है, वो इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो हमें उसको 3D भी लुक देना होता है। तो 3D लुक देने के लिए हमें ये जो चीजें हैं बेसिक वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला हमारा क्या है, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। आज हम कर रहे हैं वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, ये देखो वन जो पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होता है उसमें कोई भी एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, वो एक वैनिशिंग पॉइंट है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारी जो ड्राइंग शीट है, देखो मैं आपको एक ड्राइंग शीट का पेपर ड्रॉ करके और फिर ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखो जी, ये हमारी ड्राइंग शीट है, हमें क्या करना है, इसके सेंटर में एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये लगाई, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है, अपर जो पार्ट है वो स्काई के लिए, जो बॉटम पार्ट है वो हमारा लैंड पोर्शन होता है, स्काई लैंड। जरूरी नहीं है, इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, लैंड का पार्ट कम हो सकता है, स्काई का पार्ट ज्यादा हो सकता है, स्काई का पार्ट कम भी हो सकता है, लैंड का पार्ट ज्यादा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इसलिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये लाइन इतना ही आएगा, वो हमारे विजन पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना विजुलाइज करते हैं। अंडरस्टूड। अभी हमें क्या करना है, वन पॉइंट बना रहे ना, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, इसको बोलते हैं वी और पी, वैनिशिंग पॉइंट, ये हमारा वीपी होता है। इसमें आपको ध्यान एक चीज और रखनी है, जो लाइनें इस डायरेक्शन में मूव करेंगी वो हमारा पेपर के जो बॉटम पार्ट है उसके पैरेलल चलेंगी, जो लाइन हमारी डायगनल चलेंगी वो इस लाइन के होरिज, अभी ये वर्टिकल लाइन चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन चलेंगी वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए चलेंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा वीपी है। अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे कॉर्नर पे मिला दिया। इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप होगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा जो पॉइंट है वो यहां लिया, ठीक है। अब यहां जो हमारा पॉइंट है, हमने क्या किया, वहां इस पॉइंट के ऊपर एक शेप क्रिएट की, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स हो गया हमारा, हमारा जो ये जो लाइन है वो इस बॉक्स के यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है। अब हमें क्या करना है, यहां से एक लाइन और ड्रॉ करनी है। धीरे धीरे लाइन जितना हमारे नजदीक आएगी उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, जो हमसे दूर जाएगी तो उसका क्या है, साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज जितना हमारे नजदीक है। जरूरी नहीं ये पॉइंट यहां मिले, हो सकता है ये लाइन बहुत आगे हो और ये पॉइंट हमारा यहां भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे भी हो सकती है, अगर वो पेपर के बाहर है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको यहां पर ही मिलाएंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ये लाइन स्ट्रेट है, इसी के साथ हमें क्या करना है, जितना डिस्टेंस आगे कम होता चला जाएगा लाइन क्लोज होती चली जाएगी, बट ये सारी की सारी लाइनें क्या है हमारी वर्टिकल है, जो इस लाइन पे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग खड़ी है वो स्टैंडिंग। अब इससे लाइन हमारी ये मिलानी है हमें, ठीक है, इससे ये हमारी लाइन मिलती चली जाएंगी ऐसे। ये हमारे एक रोड का सीन बन रहा है बच्चे, हाँ
ठीक है, जो हमारा पाथ है वो बन रहा है फुटपाथ, ठीक है। इससे हम अपोजिट साइड भी यही करेंगे, अपोजिट साइड के लिए भी हमें क्या करना है, यहां से थ्री लाइन ड्रॉ कर देंगे ये स्क्वायर पे, और यहां हमें क्या करना है स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग लाइन लगाते थे, ठीक है स्टैंडिंग लाइन, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये इस तरीके से मिलाना है, वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, वो इस लाइन के पैरेलल हमारा पॉइंट चलता चला जाएगा। बहुत आसान सा है, ये रोड का हमारा साइड बन गया, एक साइड ये बन गई रोड का फुटपाथ, एक साइड ये बन गया। देखो इस साइड मैंने पूरा करना है बड़ा पॉइंट, सेंटर में टू लाइन लेनी है। इसमें एक चीज सबसे कॉमन क्या है कि जितनी भी लाइनें हमारी चल रही हैं वो सारी हमारे वीपी पॉइंट से चल रही हैं, ठीक है, सारी की सारी लाइनें वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलती है बच्चे। देखो इसमें एक छोटा पॉइंट बनाना है, एक थोड़ा बड़ा, फिर छोटा पॉइंट है, फिर बड़ा पॉइंट है, ये हमारे जो व्हाइट पट्टी होती है ना रोड के बीच में, हम वो व्हाइट पट्टी शो कर रहे हैं इधर देखो, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें भी ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे नजदीक है वो बड़ा पॉइंट रहेगा, फिर धीरे 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 जाते हुए छोटी होता चला जाएगा वो। अब हमें क्या करना है, एक साइड इसके आप बिल्डिंग बना सकते हो, पोल बना सकते हो, ट्री बना सकते हो। देखो इसमें जब तक मैं कोई आइडिया लाइन नहीं लूंगा तब तक क्या है, मेरा जो ट्री है उसकी हाइट कैसे है, यहाँ पे जो ट्री बनेगा उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी हाइट में मैक्सिमम से मैक्सिमम रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल नियरेस्ट है, बट लेकिन इसके जितना दूर चला जाएगा वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रफली लाइन लगा रहे हैं आइडिया के लिए ऐसे, ठीक है, हम एक लाइन लगा देते हैं, ये लाइन हमें लगा दी इस तरीके से कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है हमारी वो यहाँ रहेगी। देखो कैसे हमने लाइन लगाई ये, और एक बार कई बार क्या गलती करते हैं बच्चे कि इस लाइन तक रख देते हैं, इस लाइन तक नहीं रखना, ये लाइन रखनी हमें अपनी जो मैक्सिमम लाइन है वो ये, इधर देखो ये ट्री ड्रॉ करना है। ये हाफ इसलिए बनाया है क्योंकि पेपर के इस साइड कंटिन्यू है, इसलिए इसको हाफ बनाया है। ये लाइन हमारी रब हो जाएगी यहां से, फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट बनेगा वो इससे थोड़ा छोटा होगा, इधर देखो ये, और कुछ पार्ट उसका इसके पीछे छुपा हुआ मिलेगा ये देखो इस तरीके से। उससे जो नेक्स्ट है हो सकता है वो इसके बिल्कुल थोड़ा दूर जाके हो, ठीक है, तब भी उसकी हाइट ये रहेगी, ठीक है, और जब ज्यादा आगे है तब क्या करना है वो भी हमारा यहां तक रहेगा। ये देखो ये हमारे जो ट्री बन रहे हैं, अब मैंने ये लाइन यहां इसलिए रब नहीं की क्योंकि यहां इसके पीछे दिखाई देगी, यहां भी दिखाई देगी, बट यहां ये दोनों पेड़ मिल गए तो इनके पीछे वो लाइन छुप गई, इसलिए हमें यहां बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस साइड हम बना रहे हैं पोल, पोल कैसे बनाने हैं, वही सेम मेथड रहेगा हमारा, एक लाइन हम लेंगे इस तरीके से। आप इसके लिए स्टार्टिंग जब बनाते हैं तो आप लोग स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि आप सर ने फ्री हैंड बनाया तो हम भी फ्री हैंड बना दे, आप इसके लिए स्केल यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको, स्केल इस पॉइंट पे सेट करना है और जितनी भी लाइनें चलेंगी वो इसी पॉइंट से चलेंगी, ठीक है, और पेंसिल को लाइट चलाना है, बहुत ज्यादा प्रेस करके नहीं चलाना आप लोगों को। ये देखो यहां भी देखो ये एक बार, ठीक है, कोशिश करना लाइन आपकी स्ट्रेट आए, ठीक है, मैं आपको इसमें पोल बना के दिखाता हूँ। पोल का क्या करना है आपको, वही जितना ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे उसका पॉइंट छोटा और जितना नजदीक आएगा वो पॉइंट उसका बड़ा होता चला जाएगा। यहां से डायगोनल लाइन आप लोगों को लगानी है इस तरीके से, देखो जितना नीचे आएगा वो बड़ा हो गया। अगर यही चीज, ठीक है, अभी हम गोलाई में बना रहे हैं, यहाँ पे एक पोल का नीचे का जो पोजिशन है वो ऐसे बेस के लिए, ये लाइन इसमें से रब हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो भी हमारा ऐसे रहेगा, एक लाइन धीरे धीरे डायगोनल से लेगी और यहां मिला दिया, उससे जो नेक्स्ट लाइन है वो भी यही सेम चलेगी, ऊपर का पोर्शन बड़ा नीचे धीरे धीरे छोटा। अब हमें क्या करना है, इस पोल के ऊपर एक लाइन डायगोनल लगा दी गई है जहां पे हमारी वायर लगती है, क्या लगती है वायर, उसके लिए हमने क्या किया ये लाइन लगा दी। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो लाइने हैं वो जितनी हाइट पे और जितने डिस्टेंस पे ये लाइन हमारी उतने पे ही रहे, उसका भी एक तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से और ये वाला जो पॉइंट है वो क्रॉस करते हुए एक लाइन लगा देंगे, देखो कैसे ऐसे, तो क्या हुआ हमें ये दोनों पॉइंट मिल गए, अंडरस्टूड, दोनों पॉइंट मिल गए ना,
ये लाइन लगा दी हमने और ये लाइन लगा दी, ठीक है। यहां से स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, इधर भी सेम इसमें लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखना जब आप उसमें वायरिंग करेंगे तो वायर बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, कि जब आप वायर बनाएंगे तो जो बाहर की साइड की लाइन है उसमें बाहर की साइड से कनेक्ट करनी है, जो अंदर की साइड है जैसे मान लो सपोज ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो वन को वन से मिलाना है, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये वन को वन से और ये कंटिन्यू, और ये बाहर भी जाते हुए कंटिन्यू शो करनी है आपको। अब सेकंड से सेकंड को मिलाना है, ये वायर स्ट्रेट लगाते हैं बट वेट और प्रेशर की वजह से वो लाइनें थोड़ा झुकाव में लगती हैं, ये देखो ऐसे, तो ये हमारा पोल की लाइन बन गई। अब मैंने वन एक साइड इसमें ट्री बनाया है, दूसरी साइड उसमें पोल बनाया है, हो सकता है इसके बीच में भी आपका कुछ ट्री ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस साइड ही बनेगा, बट ये जो बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है इस लाइन से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, बहुत दूर है तो हो सकता है आपका वो इस लाइन पे भी बन सकता है, ठीक है, बहुत दूर है तो वो इस लाइन पे भी बन सकता है, कंपल्सरी ये नहीं है कि वो आपको इस लाइन पे बनाना है, आगे पीछे बनाना है, वो मैंने एक ही लाइन पे बनाए हैं, ठीक है, आप इस तरीके से भी उनको बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उसकी जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी। अब देखो ये हमारे नजदीक वाली लाइन पे है बट वो हमसे डिस्टेंस दूर है, इसलिए क्या है वो साइज में छोटा बना है, अगर उसका स्टैंप यहाँ होता तो उसकी हाइट हमारी ये होती, इस साइड का जो पोजीशन है वो हमारा जैसे स्काई बना दिया हमने इस तरीके से, कुछ बर्ड फ्लाई करते हुए दिखा दिया, यहाँ से हमने जैसे सन को रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से हमारी जो ये चीजें हैं वो बनेगी। बाद में आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है हमारी वो इरेज हो जाएगी, ये लाइन भी इरेज हो जाएगी बच्चे, और जो ये ट्री ये पोल के ऊपर का जो पोजीशन है वो भी हमारा रब हो जाएगा। आज का जो हमारा है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्लियर, ये हमारा 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।